बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे इंशाल्लाह ताला वी विल लर्न अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। स्टूडेंट्स, प्राइमरी कलर्स आर सेट ऑफ कलर्स थ्रू विच अदर कलर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग एंड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर। एंड सेकेंडरी कलर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग एनी टू प्राइमरी कलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट प्राइमरी कलर्स। स्टूडेंट, देर आर थ्री प्राइमरी कलर्स आर यूज्ड। Number one, the first one is red, and the second is yellow, and the third is blue. Students, primary colors में हमारे यहाँ तीन कलर जो है वो यूज होते हैं जिन्हें हम बुनियादी कलर्स कहते हैं, सुर्ख, नीला एंड पीला, रेड, येलो एंड ब्लू। If we mix any two primary color, then we can easily make a secondary color. So now we learn about secondary colors. Students, if we mix red and yellow, then we can easily make a orange color. And next, student, if we mix red plus blue, then we can make a violet color. And third is, student, if we mix yellow and blue color, then we can easily make a green color. Student, these colors are called secondary colors. इन्हें हम सानवी कलर्स कहते हैं। सुर्ख और जो है पीला कलर, इसको अगर मिक्स किया जाए तो ऑरेंज कलर बनता है, जबकि रेड और ब्लू, सुर्ख और ब्लू, नीले कलर को मिक्स किया जाए तो वॉयलेट जामनी कलर बनता है, और इसी तरह अगर हम येलो और ब्लू को मिक्स करें तो बनने वाला कलर ग्रीन नीला कलर कहलाता है। इन कलर्स को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो है प्राइमरी कलर्स का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे सेकेंडरी कलर्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये पोस्टर कलर लिए हैं, इनमें हमने तीन कलर्स का इंतखाब किया है, रेड, येलो और ब्लू। तो हमने क्या करना है, रेड कलर लिया और रेड कलर को हमने इस पानी के ग्लास में मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने से क्या होगा कि ये कलर अच्छी तरह इसमें हल हो जाएगा। अभी हमारे सामने जो है रेड कलर बन चुका है। अब इस रेड कलर में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, येलो कलर को मिक्स करेंगे। येलो कलर हमने लिया, अब इस येलो कलर को आपने ब्रश की मदद से इस रेड कलर में मिक्स कर देना है, और कुछ देर के लिए आप इसको हिला के देखें तो ये आपको ऑरेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद इसमें थोड़ा सा हम और जो है येलो कलर इसमें यूज़ करेंगे तो ये हमारा ऑरेंज कलर बन गया। तो इससे हमें पता चला कि रेड और येलो को मिक्स करने से ऑरेंज कलर बनता है, जबकि सेकंड हमने सीखा था कि रेड और जो है वो ब्लू कलर को मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है। तो वो भी हम देख लेते हैं। ये रेड कलर हमने लिया और इसको हमने ग्लास में पानी में मिक्स किया। तो इसको जब ये मिक्स हो जाए तो आपके सामने आपने क्या करना है कि ब्लू कलर जो है वो अपने सेकंड ब्रश में ले लेना है ताकि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। आपने ब्लू कलर लिया और इसको इस रेड कलर के ग्लास में मिक्स कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो कलर है ये चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब इसका कलर जो है वायलेट कलर यानी पर्पल कलर, जिसे हम जामनी कलर कहते हैं, वो बन चुका है। तो सेकेंडरी कलर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा अब जो है वायलेट कलर बन चुका है, जबकि थर्ड कलर के लिए हमने
येलो और ब्लू कलर का यूज़ करना है। तो अब हम जो है इसके लिए भी एक फ्रेश ब्रश जो है वो यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, येलो कलर लिया, येलो कलर को इस तीसरे ग्लास में आपने पानी में मिक्स कर देना है इसको। जब यह मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमने दूसरे कलर की तरफ जाना है। मिक्स करने के बाद स्टूडेंट्स हमने इसमें जो है ये ब्लू कलर लेना है, और ब्लू कलर आप देखेंगे कि मिक्स करने से हमारे पास कौन सा कलर बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ग्रीन कलर बन चुका है। तो इस तरह आप भी इनकी प्रैक्टिस करके ये कलर बना सकते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, पहले ग्लास में हमने रेड और येलो कलर को मिक्स किया है तो ऑरेंज कलर बना है, जबकि सेकंड ग्लास में हमने जो है पानी में रेड और जो है ब्लू कलर को मिक्स किया है तो ये वायलेट बन चुका है, जबकि येलो और ब्लू को मिक्स करने से आपके सामने ये ग्रीन कलर बन चुका है। तो बेसिक हमारा हमने ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में ये कंफर्म करना था कि ये जो है प्राइमरी कलर जो हैं ये बजाते ख़ुद किसी से नहीं बनाए जाते, जबकि सेकेंडरी कलर्स को क्रिएट करने के लिए आपस में दो कलर्स को मिक्स करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।